अब देखो आपके बुक का टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 67। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा करते हैं, फिर इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे करना है। इसमें कहता है क्वेश्चन के अंदर कि यहाँ पे तीन पार्टनर है, यहाँ पे कितने पार्टनर दे रखे हैं आपको? इसे नोट कर लिया है तो हटा दूं मैं इसे। तीन पार्टनर है, अब पार्टनर का नाम बता दो क्या क्या है। पी क्यू एंड आर, रेशियो भी बता दो इनका। 2:2, 2:1। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन में। कहता है द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द डेथ, कहता है कि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कुछ बातें। डेथ ऑफ द पार्टनर एग्जीक्यूटर विल बी एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग, जो डेथ होगा पार्टनर उसके एग्जीक्यूटर को क्या क्या दिया जाएगा वो लिखा हुआ है इस तरीके से। कहता है भाई उसे मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। देखो 12% पर एनम है तो क्या टाइम फैक्टर करेंगे इस पे? करेंगे। उसके बाद बोलता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी देंगे, सैलरी भी देंगे, एक्सेट्रा। कहता है पी डाइड हो गया 31 मई 2018 में। अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूं तो सपोज करो ये मेरा साल है, ये साल है 1/4/2018, और एंड कब हो जाएगा बताओ? 31/3। और वो डाइड कब हुआ? 31/5/2018 में। कौन डाइड हो गया? पी डाइड हो गया। अब बताओ कितने महीने तक काम किया उसने? यहां से काउंट करो मंथ, 4 से लेके 5, तो 2 महीने हो गए, अप्रैल पूरा और मई भी पूरा, 2 महीने हो गए ना। इसके बाद आगे क्या कहता है, चलो इसका डेथ हो गया, इसका बोलता है कैपिटल पहले से कितना है? 80,000। तो कैपिटल किधर लिख देंगे? बाय बैलेंस बीडी, अमाउंट कितने का? 80,000। इसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन में? इसके बाद क्वेश्चन में कहता है कि ही विड्रॉन, अच्छा ड्रॉइंग भी है 15,000, तो ड्रॉइंग बताओ, ड्रॉइंग से कैपिटल कम होगा ज्यादा होगा? कम होगा तो किधर लिखना चाहिए? ड्रॉइंग टू ड्रॉइंग, और ड्रॉइंग अमाउंट कितना है? 15,000 रुपए। अब ड्रॉइंग के बाद देखते हैं और क्या है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी कैलकुलेट करके 1,200 रुपये दे रखा है। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो कभी भी याद रखना कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट भी दे दे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके भी दे दे, तो रेट कोई काम का नहीं रहता, जो कैलकुलेट करके दे रखा है उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किधर आएगा? टू साइड में आएगा इसका, क्योंकि कम हो जाता है इससे कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन, क्या इस पे टाइम फैक्टर लगता है? वैसे लगता है, लेकिन इन्होंने कैलकुलेट करके दे रखा है तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा हमें कितना? 12% बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 12% यानी कैसे निकालेंगे? 80,000, रेट क्या है? 12%, तो 12/12, 12/100 इंटू में, टाइम फैक्टर कितने मंथ का लेना है? 2/12, तो यही 2/12। अगर ये 25 दिन होता तो मैं यहाँ पे पता कितना करता? 25/365 करता मैं। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या आ गया हमारा? चलो अभी देख लेते हैं, निकालो क्या आ रहा है। हाँ चलो, क्या आ रहा है ये? 1600। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? सैलरी, सैलरी 12,000 रुपये पर मंथ है, तो बाय सैलरी 12,000 पर ईयर है, तो हमें कितने महीने का देना है? 2/12 कर देंगे, यानी 24,000 है, 12,000 है, 12, तो 2,000 रुपये इसको क्या मिल गया? सैलरी। और क्या क्या मिलना था इसे? गुडविल, इसके में क्वेश्चन में तो दे ही नहीं रखा, तो थोड़ा काम और आसान हो गया, गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा नहीं। तो बस सारी चीजें दे चुके हैं, ड्राइंग वगैरह हो गया। अब इसके एग्जीक्यूटर को पेमेंट वगैरह के लिए बोला नहीं है इसने, तो इसका टोटल कर लो क्या आ गया, कौन सा है? अच्छा प्रॉफिट दे रखा है, कहता प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस ईयर। हाँ आगे देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, ड्रॉइंग कैलकुलेट एस 1200 प्रॉफिट फ्रॉम प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2018 30,000 रुपए।
तो कहता है कि अब देखो डी पार्ट बोलता है हिस्स ईयर प्रॉफिट कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, पिछले साल के प्रॉफिट्स के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पे देखो कितना प्रॉफिट दे रखा है हमें पिछले साल का, पिछले साल का पूरा 30,000 है। अगर मैं बात करता हूँ कि भाई पिछले साल का 30,000 है, तो इस साल का भी बोल रहा है क्वेश्चन में पूरा 30,000 मान लो, तो 30,000 अगर मैं पूरे साल का मानता हूँ तो टाइम फैक्टर के हिसाब से देना पड़ेगा। टाइम फैक्टर कितने मैंने कहा 2/12, और इसका हिस्सा क्या है पी का 2/5, इसका हिस्सा क्या है 2/5। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, बताओ कैलकुलेट करके क्या आता है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, बताना क्या आता है। दो हजार, 2,000 आ गया, ठीक है। बस और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, इसका टोटल करते हैं और फिर हम इस क्वेश्चन को करते हैं वाइंड अप, करते हैं टोटल। टोटल में क्या आ जाएगा, 80,084,85,600। देख लो टोटल कर लो एक बार आप, और यहां पे क्या लिखने वाला हूं मैं, जेड नहीं सी है ना, ये नाम भी नहीं लिखा, पी है पी, तो ये आ गया पी। तो यहां पे क्या आएगा, पीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब इसमें से माइनस करो क्या आता है बताओ फटाफट माइनस करके, तो आ जाएगा 69,400, और इसको ट्रांसफर कर देंगे बाय क्या लिखूं मैं, अब पीज कैपिटल 69,400, टोटल कर देते हैं 69,400 और 69,400, और यहां पे लिख दूंगा टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, और आ गया 69,900 है ना, 69,400। ये देखो अगर मैं बैलेंस शीट बनाता तो ये वाली एंट्री पता है कहाँ चले जाएगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लोन के नाम से एग्जीक्यूटर। हो गया ये आपका 67 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट, ये क्वेश्चन 6 नंबर का आता है आपके एग्जाम में, नोट करिए।